से माफ गुजार हूँ कि मिंबरे हुसैनी पर तशरीफ लाएं, कुरान और हदीस की रोशनी में फजाइल आले मोहम्मद से हमारे कुलूब जहान को मुनव्वर फरमाएं। दुआए ज़हूरे इमाम ज़माना अलैहि सलातो वस्सलाम। بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا حضرات گرامی سادات و مومنین سلام علیکم توفہ یا علی مدد इस डेरे ते भाभी भी आए तो यार की मदद ना आखे तो मेरा मुर्शद नूं मिलता ही नहीं। बाईये पारे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अज की मजलिस पाक च मैं दसना है आयत तत्हीर किन्ना हस्तियां दी शान विच नाज़िल होई। आयत का तर्जमा मां सिवाय इसके कि नहीं, सिर्फ अल्लाह ने ये इरादा कर रखा है, अहले बैत रसूल अल्लाह तुमसे हर किस्म के रिक्स को, हर किस्म के गुनाह को, हर किस्म की प्रीति को ऐसे दूर रखेगा जैसे दूर रखने का हक है। तुसी बुरे वाले मोमन परेशान ना होया करो कि असी कलमे अजान नमाज में चली वरीला पढ़ने, असी जंजीर जनी करने, असी पांच तन पाक का जिक्र करने, फलाना नहीं करता, फलाना नहीं करता। जो कुरान में अल्लाह का वादा है पलीत ने रहना ही दूर है। पाकां दे नजदीक ना कोई पलीत आ सकता ना पलीती सकियो। मैं सिर्फ तुहाडी दुआ लैण वास्ते हाजिर हूं। भाई इफ्तिखार बैठे ने बाबे काजमी साहब इत्थे शरीफ फरमा ने भाई इमरान शाह जी अली नूं वलीउल्लाह दा नारा हर जशन विच हर मजलिस विच लाया करो, क्योंकि अली नूं वलीउल्लाह जिक्र सुन के कईयां दा मूंह इंज हो जांदा है जिवें जनानी रुस के पेके नस गई। तफसीर इब्ने जरीर जिल्द नंबर 22 सफा 5
अभी से खुदरी रजी अल्लाह ताला बारगाह रिसालत में हाजिर होए अर्ज की यार सुडा दसो आए ते तहीर किन्ना दी शान में नाजिल होई सोने मक्की ते मिठे मदनी रिशाद फरमाया नाजिलत हाजिल आया तो फी खमसातें ये आयत तहीर नाजिल हुई हम पांच के हक में फिया व फी अलीम व फातिमा ता व हसन व हुसैन आयत तहीर नाजिल हुई मुझे रसूल की शान में मेरे भाई अली की शान में मेरे बेटे हसन की शान में इमाम हुसैन की शान में मेरी बेटी जहरा की शान में शिया सुनी भाइयों खमसा उन अरबी कहते ने पांच नू बाबा जी हुजूर फरमाया है तहीर नाल हुई पांच के हक में ये रसूल ज्यादा दीन नू जानता है कि गुलाम रसूल ज्यादा जानता है ते जो रसूल ने आख्या है तहीर पंजां दी शान च नाज़िल होई असीं पंज तों चार नहीं कर सकते पंज तों छे नहीं कर चलो मैं घर की गवाही शमसी साहब पेश कर देना घर की गवाही घरेलू गवाही مشکا شریف صاحب 568 انا شکر دی لتنانا خیر دی مدرکل مرکہ داتر بنا کے مرکل بنا کر من شارن اسودا فجا حسن بن علی رحمت اللہ ثم جاء حسن بن علی مال ثم ثم جاء فاطمہ بن علی ثم جاء فاطمہ ثم قال انما يريد الله ان ترضى على بيت فيطهركم تطهيرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک میرے گھروں نکلے سویرے سویرے سانجرے سانجرے ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਮਾਮੇ ਹਸਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਚ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਚ ਖੁਲਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਚਾਦਰ ਤਤਹੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਤੇ ਤਤਹੀਰ ਤਵਾਬ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਈ तहीर की शान चला पहले नबी घरों का दूसरी गल अम्मी जान अम्मी जान फरमादिया नबी पाक की जिहड़ी चादर सी उहदा रंग काला पीरो मुर्शिद किसे रावीया रावीया ने चादर तहीर का रंग नहीं दसिया सवाई अम्मी जान दे उमर मन फरमादिया नबी की चादर तहीर का रंग ते नबी की कमली ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਮਨਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਹਨਮੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲੇ ਕਮਲੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਬੁਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਕਮਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਨਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਤਹੀਰ ਮਿਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਭਾ 338 ਕਿ ਕੰਨ ਕਰਾ ਦਰ ਬਿ ਅੱਲਾਹ ਸਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਅਲਮ ਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਤਿਰਮਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਭਾ 204 ਹਜ਼ਰਤ ਮੱਕਤ ਬਣਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪਾਕ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਤਤਹੀਰ ਕਾਲੀ ਅਲਮ ਕਾਲਾ ਪਗੜੀ ਕਾਲੀ ਰਬੀ ਲਵਲੇ ਪਹਿਨਾ ਤਾਪੇ ਪਾਣਿਆ ਕਦੀ ਆਓ ਗਰੀਬੋਂ ਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਆਮਰ ਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਪਗੜੀ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਜਾਏ ਨਾ ਕਦੀ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਬੂਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਜਾਏ
तीसरी रिवायत है तफसीर इब्न कसीर है जिल्द नंबर 3 4 85 वर्ग का सज्जा पास है सभा में सर उम्र बंद ना तो मैं शर्मा फरमाते ना जाने से मिला बाब बात ना दरवाजे पे बैठी सा नबी पाक तशरीफ ले आना फरमाया गैर आए आने ना पाए अपना है रोकना नहीं उम्मे शर्मा फरमाने थोड़ी देर के बाद मौला अली आए फिर हसनैन करीमैन सैयदैन तैयबैन शरीफैन नूरैन के बाद दिख रहा है जनाबे सही का नहीं पता है तशरीफ ले आए उम्मे शर्मा फरमानिया जी तो पांच एक जगह इकट्ठे हो गए नबी पाक ने फदक वाली चादर केड़ी चादर केड़ी चादर फदक वाली चादर तोड़ के फरमाया अल्लाहुम्मा हाउला अहल बैती या ना यही है मेरे अहल बैत उम्मे शर्मा फरमानिया जी तो पांच एक जगह इकट्ठे हो गए मैं आसमान की तरफ डिठा एक बारिश ने 50 हस्तियां ते पई हुंदी है मैं सजे खबे ध्यान मारया कोई कणा इधर डिगे पर कोई मैं अगे बढ़ के पूछा बारिश कह दी फरमाया ये बदलां दी बारिश नहीं खुदा दे नूर ते फैजान दी बारिश है उम्मे शर्मा कहंदिया ताजन अली अगे बढ़ के यार सुना के मैनूं याद है ते मैं भी तुहाडे नाल चादर विच शामिल होके बराबर दी नूरानी रूहानी बारिश विच हिस्सेदार बणूं उम्मे शर्मा कहंदिया बा ज्यादा मुमिन जदी पाक मुस्तफा ने चादर दा कोना मेरे कोल छिप के फरमाया अंते मिन अज़वाज नबी वहाउला अहल बैत फरमाया तो मेरी बीवियां तो चंगी बीवी जरूर है लेकिन अहले बैत ही ने जड़े जगह इकट्ठे हो गए क्या ते तकीर नवाज ते नाद रहो मेरा शिया और ने सुन सुना बेरा तफसीर इब्न कसीर की किताब ने उमर को मिन हजरत उम्मे शर्मा दे सवाल ने कादी कबली वाली सरकार दे जवाब ने कयामत तक मसला हल कर दिता अहले बैत मोहम्मद होर ने अजवाज मोहम्मद चौथी रवायत तफसीर नूर मंसूर जिल्द 5 सफा 199 ترجمان قران حبر العلماء کہندے نے رابع قبل بتیتا تتی سات عشر ہے عبداللہ ابن باز کہندے نے 9 مہینے میں معائنہ کرتا رہا ذات تعالی الفجر دی جو صبح طلوع دی جا رسول اللہ الى باب فاطمہ نبی پاک ظاہرا دے دروازے تے اوندے و یقول انما یرید اللہ یذهبان کمرس شیو سنیو 9 مہینے تیرے میرے پاک نبی نے اپنی بیٹی ظاہرا دے دروازے تے जिसने इमाम जमाना की तोहीन की खुदा लानत करे मुफ्ती मुनीबुर रहमान उन्हें अगे इमाम हुसैन का कातिल जड़ा यजीद नहीं मैं क्या 40 किताबा तो पेश करना आर्मी को मंजूरी लै टीवी तो मुनाजरा कर रहा मैं 40 किताबा चो मौजूद साहब है तारीख तबरी है तारीख कामल है अलविदा का नहाया है मैं तेरी 40 किताबा चो खाना इमाम हुसैन का कातिल जड़ा है वो यजीद है तो मैं क्या तू जी यजीद की हिमायत करनी है तो यजीद नू घर जवाई रख ला है तू यजीदा मैती है तू यौमे यजीद मना असी शिया यौमे हुसैन मना तेनू यजीद मुबारक सानू हुसैन आज ने इमाम जमाना की गुस्ताखी की थी ये उन्हां दी नसल जिहड़े आ के लकड़ियां लैके ज़ाहरा दे दरवाजे ते सलवात पढ़न बाबा ते बुलांदा जे कोई नबी दे होर भी अहले बैत हुंदे मुन किसे बड़ी पुरानी किताब च नहीं मिलिया 9 महीने च पाक मुस्तफा ने किसे होर माई दे बूहे ते जा कड़ी आए ते तकीर दी तलावत फरमाई सिर्फ अपनी बेटी ज़ाहरा दे दरवाजे ते आए मेरा किसा मकसद किसे दी दिलदारी नहीं हक बयान करना आ जेड़े कहंदे ने नबी दीयां बीवियां भी अहले बैत ने अरबी में बड़ी आसान करके तुहाडे सिना दी नजर कर लगा शिया सुन्नी भाइयों अरबी विच जिथे मर्द चुके होण औरतां थोड़ियां होण अरबी विच ज़मीर इस्तेमाल हुंदी है कौम ते जिथे मर्द घट होण औरतां चोखियां होण अरबी विच ज़मीर इस्तेमाल हुंदी है कुन मर्द चोखे होण कौम औरतां चोखियां होण कुन मेरा अहले सुन्नत बिरा अगर आयते तत्हीर पाक मुस्तफा दी बीवियां दी शान वास्ते नादर हुंदी पाक मुस्तफा दी 13 बीवियां सन फिर आयत इंज होनी चाहिए सी इन्ना मा युरीदुल्लाह यज़हबा अन कुन्ना रिजसा बजता है कुन्ना तत्हीरा अल्लाह नु अरबी कोई नहीं सी आउंदी
तेरह बीवियां फिर औरतों की तादाद भी बढ़ जाती है। जबकि पंजे पाक च मर्द ज्यादा ने, नबी पाक मौला अली इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक एक मौना से जनाबे सैयदा, लिहाजा अल्लाह ने भाई तहरा कुन्ना नहीं भाई तहरा कौम आख्या। आयत तत्हीर बोल बोल के कहती है मैं पाकां दी शान मुसलमान नबी दी बीवियां चो किसे बीवी दावा ही नहीं कीता ते तत्हीर साड़ी शान विच नाज़िल होई है। ये पाक मुस्तफा दी बीवियां चो किसे बीवी दा दावा विखा दे मैं मदबेशिया छाड़ देना, चोर नालो पंड काली हांडी नालो चमचा तता मुद्दई सुस्त गवा चुस्त। इमामे हसन पाक ने इरशाद फरमाया नानू जीफान कुवा उमरा कुवा नहनु अहल बैत लजी काल अल्लाह नमाज लिल्लाह मन तुन कुरसाल बैत बिकार कतीरा। इमामे हसन पाक ने इरशाद फरमाया मुसलमानों असी तुआडे मेहमान आ पर तुआडे ते हाकम आ और हम ही वो अहले बैत है जिनके बारे में अल्लाह ने आयत तहीर नाज़िल फरमाई। नबी दी बीवियां जो किसे दावा नहीं कीता ते अहले बैत दावा करन तो पिछे रहे। चौथी इमाम अगर तू नाव दा ज़ैद बिन अरकम सी तवज्जो है उन्हें अगर तू नबी दा पुत्र से आदमी है ते पाक ने कोई बड़ा बड़का कर दिया ते कोई रसूल दी हदीस ही चा सुनो। हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला ने फरमान में समय तू नबी आ मैं मैदान ए अरफात पे नबी पाक ने सुनया हुजूर फरमाया नी तारिकुल फिक मुसकना ने किताब अल्लाह के विच रखी अहल बैत ईमान तुम सकम एक मलम तुम बाद या बदल नहीं पर कहा यार दाल जलो। नबी पाक फरमाया मुसलमान तुम्हारी हिदायत वास्ते दो चीजा छड़ के जा रहे हैं कुरान के अहले बैत। कुरान ते मौलवी नहीं कुरान ते अहले बैत। अगर कुरान और अहले बैत के पैरोकार रहोगे तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होंगे। मुसलमानों अगर उम्मत में गुमराह होने का खतरा ना होता तेरा मेरा नबी इंतजाम ना फरमाना। अगर अहले बैत कुरान की तरह पाक ना होते कुरान के दोष बदोष अल्लाह अहले अल्लाह रसूल अहले बैत कुरान के दो दोष उम्मत की हिदायत वास्ते छड़ के जा। कुरान किनु कहंदे ने मिरकात शरम मिशकात शरीफ नवाज शरीफ नहीं मेरे काद शरम मिशकात है जिल्द नंबर 11386 तब मैं बोलता हूं मुल्लानी कारी आले सुन्नत आलम ने बड़ी प्यारी गल लिखी है इनल कुरान होवा उस वक्त उल्ले ने इतरा ते कुरान नामे अहले बैत दी सीरत दा यानी मुसलमान अगर अहले बैत नु 17 दी सूरत च देखना होवे ते कुरान दी तिलावत कर जा अगर कुरान नु जिस्मानी सूरत च देखना होवे ते अहले बैत दी ज़ियारत कर। फरमाया तुहाडे दो चीजा छड़ के जा रहे हैं कुरान ते अहले बैत। मेरी गल समझ के जाओ तो मेरे आने का मकसद पूरा हो अब जो है तो मैं मशहदी मलंग होया साइया का नौकर होया 5, 12, 14 ए मेरे हाथ में सही मुस्लिम जिल्द 7 सफा 123 जो ज़ैद बिन अरकम बड़े सहाबी ने आखे ना हुजूर फरमाया दो चीजा छड़ के जा रहे हैं कुरान ते अहले बैत ते छोटे सहाबा ने पुछया अच्छा कुरान का तो सानू पता मन अहलो बैते ही नबी दी अहले बैत कौन है अनिसाओहु क्या नबी दी बीबियां अहले बैत। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते ने ला वा ऐ मुल्ला नहीं नहीं अल्लाह दी कसम है नहीं बुरे आले आले आ ज़ैद बिन अरकम ने 1400 साल पहले अल्लाह दी कसम चुक के आख्या नबी दी बीबियां अहले बैत नहीं। अदर हैदरी हूं कुरान सिर से रख के पिया कहंदा नबी दी बीबियां अहले बैत नहीं सुहाबा दी गल भी असी मनिए ते मुनकर भी असी जिहड़ा असी कहने
पुराने सूरह तौबा दी जाके काफरां दे सिरां ते तिलावत कर चुटकियां ना मारो ताड़ियां ना मारो नंगे तवाफ ना करो तिलावत फरमा जो मौला अली ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को आयत वापस आई ने सुनन नसाई आले सुनन दी किताब सियासत आदि सुनन नसाई ओदे च मौजूद है फरमा फरमा कही को हजरत अबू बकर आए वापस ते रोंदे होए तेरे बाद जबरील मेरे ते नाज़िल होए ते जबरील ने आख्या अल्लाह हुक्म पिया देंदा मेरा सुनिया महबूबा काफरां दे सिरां ते जाके सूरह तौबा दियां आयतां दी खुद तिलावत कर जा ओ मर्द भेद जिहड़ा तेरी अहले बैत विचों चलो मोमना की भी दुआ ना ठीक है कोई गल थोड़े चो भी कोई तकलीफ कर सकता कोई मैं किसी तक नहीं सकता यह साइया की न्याज है आले मुहम्मद नौकर का एहतराम करते जेड़ा बंदा सूरह तौबा दी चंद आयतां काफरां दे सिरां ते नहीं पढ़ सकता पूरे कुरान दा मुबद्दल बन सकता है पंचायती पिंड दे बैठे हो समझदार नजर आ रहे हो माफ़त आ जाए मार्फत क्यों ना होवे जदों बैठे फकीर दे डेरे ते ये जदों ड्यूटी लगी है मौला दी कि जाके सूरह तौबा दी आयतां दी तिलावत करो क्यों ड्यूटी लगी क्यों अहले बैत विच शामिल सी ते बाबे होर अकला आयतां क्यों लईयां गईयां तकरीबन 12-14 मिनट मैं होर पढ़ने की इजाजत चाहूंगा जितना मुर्शिदा हुक्म दिता नहीं जे किसे चंगी शायद शुरू चलो तो इन्ना मार दे पता चले गया हूँ चंगी शायद का नाम जिमें मेरे खारे फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्ना मल खम रबर मैं सरबन साहब और नतराम और सरबन मली शैतान अल्लाह फरमाया शैतानी फैल दुनिया के होर बड़े ने लेकिन जिस तरह का जुआ शराब शैतानी फैल ऐसा कोई होर नहीं
बड़िया हो लेकिन जिस तरह हसनैन पाक की मां ज़ाहरा की दावत जगते असी दावत को
अली वलीला मेरा कारोबार नहीं मेरा कीता है। जिन्हों का विलायत कारोबार से फिर गया शर्बाद बड़े बाबा ने बना अली वलीला को अपनी पसंद रख नहीं तो मुंह बंद रख अली वलीला को अपनी पसंद रख नहीं तो मुंह बंद रख हालात जैसे अली अली वलीला को अपनी पसंद रख नहीं तो मुंह बंद रख हालात जैसे भी हों इमाम जमाना वारस हमेशा जिक्र अली बुलंद रख अगर तू चाहता है जन्नत में चला जाए खुद को अली वलीला का पापा बना कुरान हदीस की रोशनी ना मैं खुद ही लिखे ने चार जुमले जो थोड़ा सुना ਸਿਆਬਾ ਦਾ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿਹਾਬਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿਹਾਬਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਿਹਾਬਾ ਕੌਸਰ ਪੀਣ ਦੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਕੌਸਰ ਮੇਰਾ ਅਲੇ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਜੰਨਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸੱਜਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਅਹਲੇ ਜੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਕੌਸਰ ਪੀ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਕੀ ਕੌਸਰ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾ एक सियाबी दीन कबूल करके दीनदार बन सकता लेकिन कुड़े दीन एक सियाबी ईमान कबूल करके ईमानदार बन सकता लेकिन कुड़े ईमान एक सियाबी इबादत करके आबद बन सकता लेकिन सानू आबदीन एक सियाबी सजदे करके साजिद बन सकता लेकिन सजिद साजदीन एक सियाबी इल्म लै के बड़े शौक नाल खैबर वाले पासे ते जा सकता लेकिन फातह खैबर एक सियाबी चार बंदियां दे कहन नाल सिक्की फिर लुक के खलीफा बन सकता है मगर सवा लख दे मद में किसे नबियां दे नबी कोले नहीं कलवा सकता लहुमा मन तू तू मौला हो जिस प्याज रसूल ने पानी पीता ओने पीता मैं क्या मैं मनने वाला मैं तो इनकार करता नहीं जिस प्यार च रसूल पानी पीता उतों ही उन्हें पीता ओदे जिहा आलम कोई नहीं ते जिस मौला अली इमाम हसन हुसैन ने मुस्तफा दी जुबान चूसी है मुफ्ती साहब जी तुसी अहले बैत बन के खल्ला किने खाण भाई हरी आंदे ने खल्ला ही नहीं खल्ला किने खाणी ते खल्ले किने खाणा अहले बैत उहने जिन्हां दे बारे आए ते तकदीर ए बंदा कहिंदा तुसी शिया जो मर्जी कर लो साडे वास्ते सारी बराबर ए बुरे वाले आलेओ बराबरी दी गल नूं उदों समझ आई जदों मैं पहली मंजिल चकवाल पड़ी जिथे हल पाउण वाले ने इक पासे टका धोया दूजे पासे खोती चकवाली एडे चंगे नहीं चंगे होंगे तो बाबे की हिजरत करके इतने ना एक पास ढगा दूजे पास खोती वो मैं बल्ले पढ़ी मैं यार तू खोतियां जोड़ो या तू ढगे मैं कहने साहब जाओ तुम मजे सा पढ़ो साढ़े वास्ते सारे ही बराबर तो मैं समझ आई बराबरी वाली कहानी निकली तीसरा पारा पहली आयत तीसरा पारा पहली आयत मेरे खालिक दा कुरान मेरे मौला दा फरमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलकर रुसुल फजल नबाद बना बाद ना फरमाया सारे नबी बराबर नहीं कुरान सुना रहे हैं
खातिर करूं सुनूं फजल नपास मदापास। कुरान कुरान दे वारसन क्या सुनाना तब जो है तिल करो शुरू फजल ना पास मदा पास। अल्लाह फरमाया सारे नबी बराबर, जे तो सारे नबी बराबर नहीं, नबी दे गुड़ बड़ बहन वाले सारे बराबर किने होगा? किया सुनी पाजो एक दफा खलीफा दो मते पुत्र मेंबर ते खड़े होते से आबादी शान पढ़ना शुरू कर दी ते फजाइल सहाबा किताब तो मैं एक बाइक कार बहुत असम बने बने ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਮਜਮੇ ਚ ਕੋਲਾ ਨੇ ਤੇ ਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਯਾ ਬਾਪ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਲਕਿਨ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਮੇਰਾ ਕਾਪਕ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬੀ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜ ਛੱਡੀ ਅਲੀ ਕੋਈ ਸਹਾਬੀ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਬਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਤਲਾਈ ਕਾ ਸੁਬਹ ਮਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਮਾ ਰਸੂਲਿਲਾ ਵੀ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਨਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ੀ ਦੀ ਜੇ ਫਰਸ਼ੀ ਅਲੀ ਨੂਰੀ ਦੀ ਜੇ ਖਾਕੀ ਅਲੀ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਸਲੀ ਪੇ ਦਰੂਦੇ ਮੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ बाबा बाबा करके बाबे नूं आखिया इनी दे पढ़ना उन्हें फिर पीर नूं पीर मनी मैं दिन मार के शेर पढ़िया मुल्को बार शायद उत्थे मैं कहा मैं सीटा दी जुतियां चुकन आला ते शमसी सैयद कहिंदा अजी साहब नहीं ना हो गया मैं चार जुतियां नहीं कहना मैं कहा मैं उन्हें क्या ना ताक सलवात पढ़ाए बाबा ने पढ़ा मैं ना मैं सीटा दा दावेदार हां मैं ये क्या नहीं ए नहीं कि मैं जुती चुक के पाकिस्तान गुजरा ले जाया कदी इन्हां बराबर ना कीशिया सुनी भाई दिन रात बराबर नहीं गर्मी सर्दी बराबर नहीं धुप छां बराबर नहीं बुड्ढा जवान बराबर नहीं मेजबान मेहमान बराबर नहीं अबू सुफयान इमरान जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुसलमान अगर आल के असहाब कोई नहीं तो तू इन्हों का अलग अलग जिक्र क्यों कर ਜੁਮੇ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਆਲ ਤੇ ਅਸਹਾਬ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਬੱਜਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਆਲ ਹੋਰ ਨੇ ਅਸਹਾਬ ਹੋਰ ਐਸੇ ਬਾਤ ਤੇ ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਮਾਂ ਫੁਰ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਆਖਰੀ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣਾ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠ तफसीर कबीर में इमाम भक्त दीलाल बरादरा ने इस्लाम दा छठी सदी दा मुहदीस भी मुफसर भी मुअर्रख भी कान इमाम भक्त दीलाल जी बड़े राजी हो के जुमले लिख रहे हैं कहंदे ने इना हल बैत यूसुफ नौ फी खमसा एशिया इमाम भक्त दीलाल जी कहंदे ने अरब दा हर बाबा अरब दी हर माई अजम दा हर बाबा अजम दी हर माई अहले बैत नहीं अहले बैत कौन है जिन्ना विच रसूल वालियां पांच सिफतां पाईयां जांदियां सलाम यसनी मिल के कहो सुभान अल्लाह छोटे बड़े कहो सुभान अल्लाह जिवें नबी ते सलाम अहले बैत ते सलाम इमाम फरीद राज के
ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਅਹਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦਰੂਦ ਕਿੰਨਾ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰੂਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਨਾ ਸੁੰਨੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਨਾ ਮੌਲਵੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਫਤ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਾਕਰ ਤੇ ਨਾ ਮੁਕਰਰ ਤੇ ਨਾ ਕੌਦੂ ਤੇ ਨਾ ਲਮਤੂ ਤੇ ਨਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਜਤਹਿਦ ਤੇ ਨਾ ਆਇਤੁੱਲਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਦਰੂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਦਰੂਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਅਸਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦੂਤ ਪੜਨਾ ਹੈੜਾ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਸੱਲੈਤ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾ ਅਲਾ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਕਾ ਹਮੀਦੁਮ ਮਜੀਦ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਯਦਾਦਾ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਤਸ਼ਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦੂਤ ਪੜਨਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਸੱਲੈਤ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾ ਅਲਾ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਕਾ ਹਮੀਦੁਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰੂਦ ਦਾ ਮਾਣ ਮਾਣ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਲ ਤੇ ਦਰੂਦ ਫੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾੜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਪਾੜ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਯਾਲ ਤੇ ਪੜਿਆ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਦਰੂਦ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਲ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਦੀ ਯਾਲ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਦਰੂਦ ਸਿਰਫ ਪਾਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰੂਦ ਪੜੇ ਦਰੂਦ ਪਾ ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਦਰੂਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹ ਕਢਾ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਕਢਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਦਰੂਦ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਤਲ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਹੈਦਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਤਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਬਰ ਸਵਾਬ ਹੈ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਹਰ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਸਲਾਮ ਤੀਸਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾ ਫਜ਼ੀਲਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀ ਤਾਰੀ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਤੇ ਸਦਕਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਵੀ ਸਦਕਾ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਉਹ ਮਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਦਕੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਸਲਵਾਤ ਪੜੇ ਬਾਬਾ ਚੌਥੀ ਗਾਲੀ ਮਾ ਫਜ਼ੀਲਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀ ਵਜੂ ਬਿਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਬੀ ਦੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਜਬੇ ਕੁਲ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤੁਹਿਬੂਨ ਅੱਲਾਹ ਫਤਬਿਉਨੀ ਯੁਹਿਬਕੁਮ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਜਬੇ ਅੱਲਾਹ ਸਲਕ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨਲ ਮੁਹੱਬਤ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾ ਪੰਜਵੀਂ ਗਾਲੀ ਮਾ ਫਜ਼ੀਲਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀ ਤਹਾਰਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਪਾਕ ਨਮਾਜ਼ ਯਰੀਦੁਲਾਹ ਹਕਤ ਬਰਕੁਰ ਸਾਲ ਬੈਤ ਵਜ ਤਹਾਰਾ ਕੋ ਤਤਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੌਜੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਮਾਫਕ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਆਲਮ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਤੇ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਤੇ ਸਦਕਾ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਜਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਬੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਪਾਕ
ये नबी ने सारी जिंदगी पुत्ते नहीं पूजे। अहले बैत भी होने जिन्ना पुत्तां दे के सर झुका के मत्था गंदा नहीं किया। नजदीक गुनाह ना आए ठाइय पारे सूरे तहरीम जिन अल्लाह ही झिड़के अगर तुम तौबा कर लो। पाक मुस्तफा फरमाया मैं और मेरी अहले बैत गुनाह से पाक हूं। शरम की शरम कोई नहीं किया सुनी पाइयो नबी दी असली अहले बैत उन्हें जिन्ना दे नजदीक गुनाह नहीं होंदा जिन्ना दे नजदीक नजासत नहीं होंदी। ते जड़ी हज करन जाए ते आके हूं मैं हज भी नहीं कर सकदी जिदा तवाफ ही ठीक ही गया हो जाए। लो आखरी आ मेरे हाथ विच केड़ी शान जी जेड़े चुप बैठो मैं कड़ा चुके आ इतमाम बारवा का कबूल करे साडा तुहाडा उहनां नूं ईद भी कबूल करन बारवें आका भी कबूल करना। आ मेरे हाथ में कुरान है तुहानूं किवें पता लग्या कुरान है जे मैं गुलाब चाड़े बुखारी मुस्लिम मेंबर की किताबां से आईयां उन्हां तां मैं कपड़ा चाड़िया नहीं कुरान दे उत्ते कपड़ा चाड़न तो रिया नहीं। लंबियां तकरीरां दी लोड़ नहीं बस इक निगाह पे ठहरा फैसला दिल का अंदाजे बयां करके बहुत शौक नहीं है शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अंदरले होर ने बार ने बार ने बार ने अगर अहले बैत दे तकदीर दा लोक एतराम करदे कदी करबला दी छोटी बतूल जंगलां विच ना रुलदी पूरी दवारा सिमामे जमाना तुहाडा मेरा भरोसा करो काजमी मुशाहदी सदा ते मालिक इन्हां दा भरोसा करो। एक और बात सुनानी रावी दा नाम है अबू जदीला अस्ती कहिंदा मैं कूफे दे बाजार विच खड़ा सां औरतां छतां ते थोड़ी देर तो बाद शोर उठिया कद जाओ वो आए वो आए। रावी कहिंदा मैं ऐसा काफला वेख्या जिहड़ा जिंदगी च नहीं सी डिठा ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਉੱਠ ਬੇ ਪਲਾ ਸਨ ਜ਼ਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੂਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਦਾ ਬਗੈਰੇ ਕੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸੈਦਾ ਕੋਲ ਤੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੋਲ ਮਾਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਕਹੀ ਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੈਦ ਆਦੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਖਦਰਾ ਤੇ ਸਮਝ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਤਤਹੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਈ ਸੈਦਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਦੀ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਰਦਾ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਸੈਦਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਰਦਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ। रावी कहिंदा काफला गुजर गया काफले दिया करते चंद साल दी मासूमा बची है ओदे बाल इतने लंबे नहीं सन चेहरे ते पाक पर्दा बना सकदी ओ बच्ची नन्ने मुन्ने हाथ चेहरे ते रख के बाबे वाली सांग दी तरफ लेके कहिंदी है बाबा गवाह रही मैं सकीना भी परदादा। ए मर्द डिठा रावी गश कर गया कहिंदा थोड़ी देर तो बाद मनु होश आई कम से शहजादी जी ने नन्ने मुन्ने हाथ नाल परदा बनाया सी अगले ओठ ते जिहड़ी बीबी सवार सी ओदे नाल गल करके कहिंदी फूफी ज़ैनब यो कूफा शहर है जिथे तेरे बाबा अली दी शाही रही। आका जादी फरमाया हां सकीना और ता छता ते चढ़िया ने कोई तुहाडी शगिरदा हो गए ओनो मोहम्मद दी मां फरमाया किसे वस दे जमाने च 1000 औरत ने मेरे को कुरान पढ़िया सारियां मेरे को आउंदियां सर मैनूं किसे घर दा पता नहीं तेरे पुछण दा मतलब की छोटी बतूल मुंह ते मातम करके कहंदी फुफी जी तदों करबला तो चलिया तुसा फरमाया ना तू पानी मंगदी ना गाजी दे बाजू कलम हुंदे ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਮਾਫੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਵਾਲੀ ਨਵਲੀ ਲੱਪੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਆਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਕ ਨਜ਼ਰ ਛਾਤੀ ਤਰਫ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਗੁੱਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈਏ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉੱਠ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਸੁੱਕਾ ਐਦਾਂ ਮੁਸਾਇ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੁਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕਾਇਦਾ
अगर हुक्म दे तो मैं खाना भी हाजिर करनी है, बच्ची नूं पानी पिला दे। लब दस ने कई दिनों की तस्सी मन आंटे दस तू है कौन। ਨਵਾਸੀਏ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੂ ਕੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਤਾਰਫ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕੂਫੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਜਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੁਜਾ अच्छा अपना नाम नहीं दस दी यही दस कड़े शहर की रहने वाली है। आका दादी फरमाया ना साकिनत में मदीना ते नबी मैं मोहम्मद मुस्तफा दे शहर मदीना दी रहने वाली है। शिया सुनी भाइयों मदीने शरीफ दा नाम आना सी पानी लेने वाली बीबी कोल प्याला छुट गया हाथ बुलंद करके कहंदी कैदन मैं दुआ करनी हां अल्लाह ताला जद तेरियां कैदां रहा करे वापस मदीने जाई महल्ला बनी हाशिम दा पुछी मौला अली का दरवाजा खटखटाई मौला अली दे करवा औरत निकल गई युकाल हाफिजा व शारहा बेजा दा नाफिजा होएगा सिर दे बाल सारे चिट्टे होंगे तेन पूछे कि कादे वास्ते है तू आखी मैं कूफे वाली उम्मे हबीबा दा सलाम लेके तेन पूछे कि सलाम देना किनु है कैदन चुपना करी फौरन कह दे ज़ैनब बिन्त अली नु मक्की में जुमला बयान करा बर्दाश्त कर सो आका दादी फरमाया उम्मे हबीबा कूफे दे इस बड़े बाजार विच अगर तैकू ज़ैनब मिल जाए संजीदा के कहंदी है कैदन अगर तू कैदन ना होंदी मैं दादी मेरी मुर्शिदादी दा नाम बाजार अच्छा छोड़ अजादार उस वक्त तालिया भी मैंने बार मुबारक नु झटका दिता हाथ जो पीछे मजदूर आन फरमाया उम्मे हबीबा पहचान अना ज़ैनब बिन्त अली है उम्मे हबीबा पहचान अली दी बेटी ज़ैनब मैं या मोहम्मद दी निवासी मैं पैरी जान के कहंदी है मैनू पता है अहले बैत झूठ नहीं बोलदे दिल दी तसल्ली वास्ते पुछनी है अगर तू सा ज़ैनब ते अब्बास की अल्लाह 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 है कौन सादी बस या अल्लाह मदद दीन ज़ालम हुआ या मुल्क अल्लाह।